क्षिप्रमर्म अंगूठा और तर्जनी उंगली के मध्य में स्थित होता है और इस मर्म के माध्यम से हम लोग गले के एंटर ट्रायंगल ऑफ द नेक और पोस्टर ट्रायंगल ऑफ द नेक में स्थित सभी अंगों की चिकित्सा हम लोग कर सकते हैं। जितने भी छोटे उसमें पार्ट्स होते हैं उन सभी में कोई बीमारी होती है तो उसको क्षिप्रमर्म के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। थायराइड, टॉन्सिल्स, इसोफेगस, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और इसमें होने वाली कोई भी बीमारी क्षिप्रमर्म के माध्यम से ठीक की जा सकती है। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि लोक व्यवहार में किसी भी व्यक्ति को यदि टॉन्सिलाइटिस होती है या गला खराब होता है तो क्षिप्रमर्म में गर्म तेल लगाकर उसका उपचार परंपरागत रूप से किया जाता है। इसी क्षिप्रमर्म के माध्यम से सांस में तकलीफ, बोलने में तकलीफ या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जैसी तकलीफों को भी हम लोग क्षिप्रमर्म के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। क्षिप्रमर्म संख्या में चार होते हैं, दो क्षिप्रमर्म हाथों में तथा दो क्षिप्रमर्म पैरों में स्थित होते हैं। आइए जानते हैं क्षिप्रमर्म को जानने की विधि। क्षिप्रमर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए आप हाथ की इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए। दोनों के बीच में आप देखेंगे कि जो फर्स्ट मेटाकार्पल और जो सेकंड मेटाकार्पल बोन है उसके बीच में थंब के बराबर का स्पेस होता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दोनों उंगलियों से इसके नीचे के हिस्से को सपोर्ट कीजिए, ऊपर अंगूठा रख लीजिए और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इतना स्पेस है, इसको क्षिप्रमर्म कहते हैं। इसको दबाव देने के लिए, इसको स्टिमुलेट करने के लिए दोनों उंगलियों से नीचे सपोर्ट कीजिए और अंगूठे की सहायता से इसको 0.8 सेकंड के स्टिमुलस की तरफ से इसको दबाइए। 15 से 18 बार इस मर्म को दबाकर आप क्षिप्रमर्म को स्टिमुलेट कर सकते हैं। ऐसी ही प्रक्रिया आप दूसरे हाथ में करेंगे। बाएं हाथ में भी आप अंगूठे और उंगली को आप 90 डिग्री पे कर लीजिए और ऐसे अंगूठे को और उंगलियों को इस ढंग से रखकर सपोर्ट कीजिए और आइडेंटिफाई कर लिए कि एक्चुअल लोकेशन क्षिप्रमर्म की कौन सी है। सही लोकेशन में आप जब हाथ को रख लें, अंगूठे को रख लें, तो नीचे उंगलियों से उसको सपोर्ट करिए और अंगूठे के सहायता से इसको 15 से 18 बार 0.8 सेकंड का स्टिमुलेशन दिया जाता है। क्षिप्रमर्म में आघात होने से आक्षेप या कन्वल्जन्स होकर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को कन्वल्जन्स या दौरे पड़ते हैं या हाथ पैर में झटके आते हैं, ऐसी अवस्था में क्षिप्रमर्म से आश्चर्यजनक रूप से फायदा होता है। पैर के क्षिप्रमर्म को उत्प्रेरित करने से पैरों में होने वाला कोई भी झटका, किसी ढंग से कोई कन्वल्जन्स को ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं पैरों के क्षिप्रमर्म को जानने की विधि। पैर के क्षिप्रमर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आप पैर को सीधे रख लीजिए, अंगूठे को मोड़िए और आप देखेंगे कि जो हेड ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। दूसरे जो सेकंड टो है उसको थोड़ा सा अलग कीजिए और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें आप अंगूठे से के द्वारा आप उस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक टेंडर पॉइंट होता है और उसको 15 से 18 बार 0.8 सेकंड की दर से आप उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। ऐसा ही आप दूसरे पैर में भी आप इसको कर सकते हैं। आप अंगूठा देख रहे हैं, इस अंगूठे को यदि आप ऐसे फोर्सफुली इसको मोड़ेंगे तो आपको अंगूठे के पास पॉइंट दिखाई देगा और उसको आइडेंटिफाई करके आप उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं।